चलो बेटा कहीं और जाओ। बेटा बदतमीज़ नहीं, चड्डी पहनो और घर जाओ अपने। बेटा चले जाओ ना, फोटो खींच के ऑनलाइन डाल दूंगा। ए, अबे सुना नहीं क्या बोला मैंने, चल घर जाओ। तेरा के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ये काम यहाँ पर मत कर, मैं तुझे दो चॉकलेट दिलाऊंगा। रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे तेरी माँ की कसम, हाथ ऊपर ही रख, पानी में नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना। क्या भाई, नदी पे नहाके मस्त गोरे हो गए हो, कल दूसरी नदी पे चलेंगे। हाँ इसी डंबेल से तेरा बेल बजा दूंगा, मेघना का कजिन नहीं होता ना तू तो, दिखाता तुझे। ए नकली पहलवान, कहीं और जाके वजन उठा, चल जा। ठीक है, क्या हुआ, भड़क क्यों रहा है इस पे? अरे क्या क्या नहीं हुआ, मेरे साथ पूरा गांव नहा रहा था वहाँ पे, वॉशिंग क्लीनिंग धोइंग इतना ही नहीं, चिच्ची भी धो रहे थे, मैं मछली की तरह तैर रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा ऑक्सीजन मास्क छीन लिया। क्या कहा, ये भी किया? दोना भी। तेरी ये बातें सुनकर मुझे तुझसे घिन आने लगी है, मुझे लगता है तेरी ओसीडी का इलाज गांव में है, मुफ्त में इलाज कराना है तो दो चार महीने गांव में रुक जा। वैसे तेरे बदन से चमेली की खुशबू क्यों आ रही है? एक खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ था, उसके मालिक को पटाकर 4 घंटे आराम से नहाया हूं। मैं भी आऊंगा। ए सुबह से कहां चले गए थे तुम लोग, तुम लोगों को भूख नहीं लगी? लगी है ना, बड़े जोरों की। आओ खा लो। ये चलना। आ रहा हूँ ना, हाथ मत लगा। ओके। ये लो ना। मुंबई लोकल की तरह भीड़ क्यों जमी है? दादी जब भी अचार बनाती है, घर के सभी लोगों को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाती है। गंदगी में इन लोगों का कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता है। भाई प्यार में विचार काम नहीं आते, आज आचार खा के काम चला। ये क्या खुसुर खुसुर लगा रखी है, खाने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तुम खाने वाली हो क्या? हाँ हाँ, तो फिर मैं भी खाऊंगा। हाँ आचार है, चाट चाट के खाएंगे। शहरों में एक दूसरे के मुंह पे प्लेट मारते हैं, यहाँ कितने प्यार से खिला रहे हैं। लेकिन शहरों में अलग प्लेट में खाते हैं, यहाँ झुंड में खा रहे हैं। अकेली दादी माँ का हाथ 20 लोगों के मुंह में जाकर आएगा, दादी माँ की पांचों उंगलियां लोगों की थूकों से भरी होगी जो तुझे चखने मिलेगा। डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, 20 लोग पहले से ही बैठे हैं, यही लोग खा के खत्म कर देंगे। अरे अपने को तो मिलेगा भी नहीं। चलो चलो, अरे बोला ना, बैठना। अच्छा खाएगा, पसंद है, मैं तो कह रही हूँ। मुँह में पानी आ रहा है ना, इसको देख। अबे बदरू। ए मंकी किंग। क्या है? सर बुला रहे हैं। तेरे को मना किया था ना, नीचे से ऊपर तक तेल मत लगा, अचार की कटोरी में तेरा तेल गिरा तो स्वाद बिगड़ेगा ना। इंटरेस्टिंग बात में डिस्टर्बिंग कर रहा है मेघना। कहीं इसने अपने सर का तेल अचार में तो नहीं मिलाया? जोक मारा, अब मैं तेरे को मारूं? दादी माँ हाँ। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, चलो खिला हाँ। दो। और लो, बहुत स्वाद है। आनंद चलना भाई, शुरू करना। अरे कितनी बार बोले मुझे थोड़ा दिया करो। झूठा चावल डाल दिया और बुढ़िया ने उसे मिक्स भी कर दिया। ए झूठा खाना वहाँ फेंकना था ना, अब और खाना नहीं है, यही खाना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी, रोना निकल जाएगा। रो मत, यहाँ तो होटल भी नहीं है। इतने चुप क्यों हो गए, तुम्हें नहीं खाना है? खाना चाहोगी तो भी ना, तुम्हारे अंदर का ओसीडी तुम्हें खाने नहीं देगा। इसीलिए कब से समझा रही हूँ कि मेरे जैसी मामूली लड़की तुम्हारे हाई फाई प्यार के काबिल नहीं है। जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। सबको छोड़ो, अब मेरी बारी, खिलाओ दादी। छोटा नहीं, लड्डू के साइज का नहीं वाला। अच्छे से। एक सेकंड रुको किशोर, इतना चलेगा या इससे बड़ा निवाला लूं? टेलर को बुला के मुंह का नाप लेने बोलता हूं। अरे अंकल, मतलब पापा, कैसे हैं आप?
आप इस दावत में शामिल नहीं होंगे। उनको क्यों बुला रहा है, वो बीमार है, उनके कपड़ों में भी बैक्टीरिया होंगे। ये बात भी है। नहीं दामाद जी, मैं शाम को सूप ही पीता हूँ। अरे वाह सूप, चल किशोर सूप पी कर आते हैं। सूप कर पी लेना बेटा, अभी दादी माँ के हाथ से ये चावल खाओ। अगर दादी माँ के हाथ से नहीं खाना तो हम खिलाते हैं। खाओ ना बेटा। हाले भाई, एक हाथ से काम हो रहा था, 20 हाथ का प्रसाद खा ले बेटा। ये सिर्फ खाना नहीं है किशोर, तो क्या है? ये प्यार है, इज्जत है, अपनापन है, आंसू निकल आए। ऐसा परिवार, इतनी मोहब्बत, मैं कितना खुश नसीब हूँ। एक्टिंग अच्छी थी। टाइम पे निकला ना? हाँ, मैं भी निकलता हूँ। अबे तू कहाँ जा रहा है? मेघना, मुझे लगता है उसे हमारे सामने खाने में शर्म आ रही है। अगर तू उसे खिलाएगी तो खा लेगा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें सच में खाना है तो मैं खिलाऊं तुम्हें? अगर तुम अपने हाथ से खिलाओगी तो ये क्या जहर भी खा लूंगा। क्या मालिश करता है? हाँ। सर की सारी जुए मर गई होंगी। कहाँ गया उनका मतलब? आनंद और कौन? दिलीप, तुम बताओ ना मुझे, कहाँ गया वो? ओहो, जीजा उधर खेत में पैर पसार के लेटे होंगे। ओहो, चल जा। मैं नहीं आ रहा। चल ना प्लीज। रुकिए, मैं भी साथ में आता हूँ। ये थोड़ा आराम से करना भाई, इतने जोर से आ करेगा ना, तड़िया तड़िया फेफड़े सब बाहर निकल के आ जाएंगे। चल इधर आ, आजा आजा। आचार के बारे में सोच भी रहा हूँ ना तो दिल घबरा रहा है मेरा। ओहो रुक, मैं तेरे को अंग्रेजी काढ़ा देता हूँ, एकदम ठीक हो जाएगा। ले इसे, परफ्यूम की तरह सूंघ ले। इसे सूंघने से क्या होने वाला है? अरे तू ओसीडी का मरीज है, तुझे पीने की जरूरत नहीं, अगर सूंघेगा तो ये तेरे लिए एंटीबायोटिक का काम करेगी। ये ले, तू इतना बोल रहा है तो चल ला। हाँ यार, हल्का किक तो लगा। चल आचार को चाट ले। ढक्कन सूंघ के मेरे को चढ़ी नहीं, समझा? मेरे अंदर का ओसीडी अभी भी होश में। एक बार चढ़ने दे, सब समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आज तूने मेघना के हाथ से निवाला खाया था ना, समझ ले कि मैं मेघना हूँ। मेरी उंगली को मुंह में रख और लपालप 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 चाटते जा। तुझे मेघना समझो? हाँ। सोच ले। सोच लिया। मेरी त्वचा मेघना से ज्यादा गोरी है, ज्यादा सॉफ्ट है, जरा चमक देख, छू ना। ठीक है, ला एक और दे। अरे वाह, ढक्कन चाहिए। आ, ये ले। जल्दी करना। क्यों बे मेघना, खून से ज्यादा ईगो भरा है तुझमें। ऐसा क्यों बोल रहे हो आनंद? तेरी साफ सफाई की आदत को देखकर सोचा तू मुझसे बड़ी ओसीडी वाली है, इसीलिए तुझसे प्यार कर बैठा है? और मुझे अकड़ दिखाती है? ऑफिस में मैंने गंदगी करने से जब रोका तो मुझे सही बोली, और जिसने गंदगी की उसे गलत बोली। लोग तो खून देख के डर जाते हैं, उसके बाप ने तो खून की उल्टी की थी, तो ओसीडी वाले का दिल नहीं घबराएगा क्या? इतनी सी बात तो बोलती, ब्रेकअप करूंगी। देखना, उससे भी साफ और सुंदर लड़की पटाऊंगा और उसी के घर के सामने टेंट लगाऊंगा, फिर नाक रगड़ते हुए मेरे सामने आएगी और मैं बोलूंगा गेट लॉस्ट। कौन है रे तू? मेघना का जासूस है, छुप कर हमारी बातें सुन रहा है, जो भी हम उसकी बुराई करें जाकर उसको बताएगा। रुक तेरी तो। हो गया हो गया हो गया, बस हो गया। क्या हो गया, गया, गया? बैठ के दो नंबर कर रहा है क्या? हाँ? के बात कर। हो गया हो गया दामाद जी, हो गया हो गया, हम निकलते हैं, आप बैठिए। हाँ, हमने मिट्टी डाल दिया है। ये दुनिया के सारे गंदे लोग अपनी गंदगी लेके मेरे पास ही क्यों आते रे किशोर?
वफादार हूँ, गंदगी के डर से कभी पड़ोसन के घर में ना घुसूं। ऐसे लड़के को छोड़ने वाली लड़की बेवकूफ हुई ना, एक नंबर की गधी है कि नहीं वो? अब, 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 मेघना जी। अबे मेघना जी नहीं, दिमाग का धाई है वो मेघन। वो पेड़ दिख रहा तेरे को वो वाला? उस पेड़ को इंग्लिश में मेघना बोलते, उससे खुजली का इलाज। करेक्ट। अच्छा है ना, मैं इस पेड़ के पत्तों को अमेरिका जाकर बेचूंगा। हाँ बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, वहाँ लोगों को बहुत खुजली होती है, इससे उनकी खुजली मिटेगी। सही है। अरे ये मेघना भी आ गए, खाना पीना हो गया सब? जस्ट शट अप ओके। मुझे तो लगने लगा था जैसे तुम्हें समझने में मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी, लेकिन अब गलतफहमी दूर हो गई है। तुम्हारी हरकतों से लग रहा था तुम सुधर गए, लेकिन तुम तो और बिगड़ गए हो, और अब तो इतने ज्यादा बिगड़ गए हो कि शराब भी पीने लगे हो। कैसी बात कर रही हो, यह पापी पी रहा था इधर, मैंने उसे दो ढक्कन सूंघे बस। ए भाई, सूंघने से चढ़ती है क्या? अबे ओसीडी के पेशेंट नहीं पीते, अगर नहीं पता तो गूगल करके देख ले। सुन लो घर जलाने वालों, सुन लो, मैंने नहीं पी मेघना, तुम्हारे रेशमी बालों की कसम। अरे सच कह रहा हूँ, सिर्फ दो ढक्कन सूंघे और अनाप शनाप बकने लगा है ना। बस अब बहुत हो गई ओवर एक्टिंग, मेरे सामने सीधा बनने की कोशिश करते हो और मेरे पीठ पीछे कुछ और। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते जाएं, और मुझसे तो तुम किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखना ही मत। गुड बाय, चलो। ए, उसकी बात का टेंशन मत ले, ये ढक्कन सुन सब भूल जाएगा। अबे तू नीट पी गया? और डाल। गुड मॉर्निंग दादी माँ। जी तेरा हो बेटा। दामाद जी ठीक से सोए ना? इसके मसाज कर, अगर अच्छा लगा तो 2 रुपए टिप दूंगा। टिप नहीं, पेड़ पर झूला झूला देना। झूला नहीं झुलाऊंगा, चटाई तेल दिलवा कर बीच पर धंधा खुलवाऊंगा। क्यों सपने दिखा रहे उसको, बाद में रोएगा वो। अरे कहाँ से रोएगा, इसकी नाजुक उंगलियों में काला जादू है, बदन के जो भी हिस्से में इसकी उंगलियां थिरकती है ना, दर्द गायब कर देती है। रुक तेरे को अभी बताता हूँ। ए मंकी किंग, जा साहब के कपड़े उतार और उनको डेमो दे। पहले दिमाग घुमाओ मेरा, ज्यादा बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। एक तो समझ में नहीं आ रहा है सर क्यों दुख रहा है इतना। अच्छा वही रात में जो हुआ वो तुम भूल गए क्या? रात को तुम आई थी, मीठी मीठी बातें की थी हमने। नहीं तुम तो सपने में आई थी, डांट रही थी या प्यार कर रही थी? हाँ बहुत प्यार कर रही थी, तभी तो आज मॉर्निंग मूड इतना मस्त है। टेंशन मत लो, सब रिकॉर्डिंग किया मैंने। अबे तेरे को कितनी बार बोला बड़ों के बीच में मत बोल, उसे वीडियो क्यों दिखा रहा है तू? देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इसे भी देखने दो कि कल इसने क्या क्या बकवास की थी। तुम इसे नहीं जानती हो मेघना, अगर इसने ये वीडियो देख लिया ना तो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, फिर तुम ही इसे संभालना। अच्छा करने में शर्म नहीं आई और देखने में जान चली जाएगी, ढोंगी है तुम्हारा दोस्त। ढोंगी तो बाबा होते हैं बेबी। बकवास बंद कर, अपना ही वीडियो देखने में क्या शर्म। मेरी बात मान, मत देख तू। देख नहीं ना बोल रहा है, देखने देना यार।